जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2015 में आई एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म द एक्सॉर्सिज्म ऑफ मॉली हार्टली के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है स्टीवन मनरो ने, जिन्होंने आई स्पिट ऑन योर ग्रेव सीरीज को भी डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग है 4.6 out of 10 और 77% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ दो फादर्स एक एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहे होते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी पे। जो डीमन उस लेडी के अंदर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है और वो उसका शरीर छोड़ ही नहीं रहा होता। जब एक फादर एक्सॉर्सिज्म में मंत्र पढ़ने में बिजी होता है तो वो डीमन उस लड़की को आगे कर देता है, जो दूसरे फादर को उसका हाथ पैर खोलने को कहती है क्योंकि उससे उसके बच्चे को तकलीफ पहुंच रही थी। ये सुन के उस फादर को उस पर दया आ जाती है और वो उसके हाथ और पैर की रस्सी खोल देता है, जिससे वो डीमन उन पर हमला कर देता है। और वो प्रीस्ट जो मंत्र पढ़ रहा होता है वो उसे लेके खिड़की से कूद जाता है, जिससे वो प्रीस्ट और प्रेग्नेंट लेडी की मौत हो जाती है और इसका इल्ज़ाम लगता है फादर बैरो पे। उसके बाद फादर को एक कैथलिक मेंटल एजाइलम में भेज दिया जाता है एक सज़ा के रूप में, और उससे प्रीस्ट का स्टेटस छीन लिया जाता है। फादर बैरो खुद से बहुत नाराज़ होता है क्योंकि उसकी वजह से एक प्रेग्नेंट लेडी और उसके दोस्त की मौत हुई होती है। उस एजाइलम में उसे प्रीस्ट चैपलिन मिलने आता है जो कि उधर का प्रीस्ट होता है, और वो उसे अपने रिटायरमेंट की खबर देने आया होता है क्योंकि उसके बाद फादर जॉन ही उस एजाइलम के चर्च को संभालने वाला था। उसके बाद सीन कट होता है और हमें मॉली हार्टली दिखाई जाती है जो अपना 24th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है अपने दोस्तों के साथ एक बार में। वहाँ उसका मेल फ्रेंड एक लड़की लाया होता है जो मॉली को एक गोली खाने को देती है और मॉली उसे खा के झूमने लगती है। उसके बाद मॉली जब वॉशरूम जाती है तो उसका मेल फ्रेंड और वो लड़की वहाँ आते हैं और उसे दो गोली खाने को देते हैं। वो खाने के बाद मॉली को नशा हो जाता है और वो नाचते हुए उस लड़की को किस करती है। उसके बाद मॉली उस लड़की और अपने मेल फ्रेंड को अपने घर ले जाती है इंजॉय करने के लिए, और वो तीनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह मॉली जब सो रही होती है तो उसके दरवाजे पे दो पुलिस वाले आते हैं जो उसे बताते हैं कि उसके पड़ोसियों ने उसके खिलाफ कंप्लेन की है, जिनका कहना है कि कल रात उसके घर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी तो उन्हें उसके घर की तलाशी लेनी होगी। ये सुन के मॉली उन्हें इजाज़त दे देती है तलाशी लेने की, और तलाशी लेने पर उन्हें मॉली के घर में उन्हीं दो लोगों की लाश मिलती है जो कल रात उसके साथ इंजॉय करने आए थे उसके घर। ये देख के पुलिस मॉली को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है कि उसने उसे नहीं मारा है। तभी एक डिमोनिक आवाज़ उसके अंदर से आती है और कहती है कि उसे मैंने मारा है। ये देख के वो पुलिस वाले उसे पागल समझ के मेंटल अजाइलम में भेज देते हैं, और ये वही अजाइलम होता है जहाँ फादर जॉन बैरो भी मौजूद होता है। दोस्तों, जैसे ही मॉली के कदम उस अजाइलम में पड़ते हैं वैसे ही उस अजाइलम के चर्च का क्रॉस नीचे हो जाता है, और फादर जॉन ये देख के समझ जाता है कि ज़रूर कोई ईविल वहाँ आया है। सबसे पहले मॉली को रिसेप्शन ले जाया जाता है पेपर वर्क के लिए, जहाँ वो देखती है कि रिसेप्शनिस्ट एक रिलीजियस पर्सन है। वो रिसेप्शनिस्ट उससे कुछ सवाल पूछने के लिए उसकी तरफ देखती है तो मॉली की आंखें पूरी तरह बदल गई होती हैं। ये देख के वो रिसेप्शनिस्ट डर जाती है और वो समझ जाती है कि ज़रूर उस पर किसी डीमन का साया है, तो वो नर्सेस को उसे वहाँ से तुरंत ले जाने को कहती है। रात को मॉली को उसके रूम में भेजा जाता है जहाँ वो बहुत रोती है क्योंकि वो उस डीमन से परेशान होती है जो उसका शरीर छोड़ के जा ही नहीं रहा होता। रात को मॉली को अपने रूम में पाइप से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, और जब वो उसके पास जाती है तो वो आवाज़ बंद हो जाती है। कुछ देर बाद उस पाइप से एक बड़ी सी मक्खी निकलती है जो उड़ के उसके नाक के अंदर घुस जाती है, और तभी मॉली चिल्लाने लगती है। दोस्तों, इस सीन से हमें पता चलता है कि वो डीमन उसके शरीर में प्रवेश कर चुका है और वो पोजेस्ड हो चुकी है। अगली सुबह मॉली से मिलने डॉक्टर हॉथरन आती है उसके रूम में। मॉली उससे पूछती है कि क्या अकेले उसके रूम में आने से उसे डर नहीं लगा, तो डॉक्टर उसे कहती है कि उसे डीमन वगैरह पे विश्वास नहीं है और उसके मुताबिक वो पोजेस्ड नहीं है बल्कि एक मानसिक रोगी है जिसके पिता ने सुसाइड कर लिया था उसकी माँ का मर्डर करने के बाद, और उसके पेरेंट्स एक कल्ट का पार्ट थे जो डीमन को पूछता था। ये सुन के मॉली उसे कहती है कि वो पागल नहीं है, वो पोजेस्ड है। डॉक्टर हॉथरन उसकी बात नहीं सुन रही होती है और वो उसे कहती है कि उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ये सुन के मॉली को गुस्सा आ जाता है और डॉक्टर के हाथ की फाइल्स अपने आप नीचे गिर जाती हैं। ये देख के वो डॉक्टर डर जाती है और मॉली उससे कहती है कि उसकी एक हाई स्कूल टीचर थी जिसको यही लगता था कि वो पोजेस्ड नहीं है और इसी वजह से वो मारी गई। ये सुनकर डॉक्टर उसके रूम से चली जाती है और मॉली के बारे में छानबीन करती है। रात को रिसेप्शनिस्ट प्रेयर कर रही होती है और उस प्रेयर की आवाज़ मॉली के कानों तक जा रही होती है।
जिससे मॉली के अंदर का डीमन परेशान हो रहा होता है, तो वो रिसेप्शनिस्ट के हाथ में पड़ी जीजस की फ़ोटो को जला देता है, जिसे देख के वो रिसेप्शनिस्ट डर जाती है और नर्स को कहती है कि वो पक्का मॉली ने किया है। ये सुन के वो नर्स मॉली के रूम के बाहर जाता है और देखता है कि मॉली ज़मीन पर बैठी हुई है और उसे घूर रही है। अगले दिन डॉक्टर फिर मॉली से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है, तो वो उस पर ट्रस्ट कर सकती है। मॉली को अजीब सा फील हो रहा होता है और वो उस पर उल्टी कर देती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है। दोस्तों, मॉली को वो डीमन परेशान कर रहा होता है और रात को सोने भी नहीं दे रहा होता है, और मॉली अपना सर ज़ोर ज़ोर से दीवार पर मार रही होती है। डॉक्टर अपने कैबिन में होती है और उसे ज़ोर से बैंगिंग की आवाज़ आती है, और जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि सारे पेशेंट्स अपना सर दीवार पर मार रहे हैं। वो मॉली के रूम में जाती है और उसे रोकती है तो सारे पेशेंट्स रुक जाते हैं, मतलब उस डीमन ने सब पेशेंट्स को पोजेस कर लिया था। ये देख के डॉक्टर समझ जाती है कि मॉली सच में पोजेस्ड है। दोस्तों, अगले दिन मॉली को एक बेड से बांधकर एक रूम में ले जाया जा रहा होता है, और तभी वो फादर जॉन बैरो के रूम के सामने से गुजरती है और फादर उसे देखता है और समझ जाता है कि वो पोजेस्ड है, और मॉली भी फादर को देखती है, जिसकी वजह से वो डीमन समझ जाता है कि ये ज़रूर कोई फादर है। कुछ देर बाद डॉक्टर मॉली के रूम में उससे मिलने जाती है और उससे पूछती है कि लास्ट टाइम जब वो 18 साल की थी तब उस डेविल ने उसे पोजेस किया था, और अब वो 24 साल की हो गई है, तो अब वो वापस क्यों आया है। मॉली उससे कहती है कि उसे लास्ट टाइम पोजेस हुए 6 साल 6 महीने और 6 दिन हो चुके हैं, यानी 666, जो कि डेविल का नंबर है। और तभी मॉली को झटके आना शुरू हो जाते हैं और वो डॉक्टर के ऊपर चिल्लाती है, जिससे डॉक्टर की रिस्ट वॉच का कांच टूट जाता है और उसकी स्किन में घुस जाता है, और ये देख के डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। रात को डॉक्टर अपने कैबिन में इस केस के बारे में सोच रही होती है, तभी एक क्रो उसकी खिड़की पे आके टकराता है और मर जाता है। ये देख के वो समझ जाती है कि ज़रूर वो डेविल कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि कौवे का खिड़की से टकरा के मरना अपशगुन होता है। दोस्तों, उस डेविल ने अब पूरी तरह मॉली को पोजेस कर लिया होता है। रात को फादर जॉन जब उसके रूम के सामने से गुजरता है तो वो डेविल अपनी शक्तियों से उसके हाथ से बाइबल नीचे गिरा देता है। ये देख के फादर समझ जाता है कि वो डेविल उससे पंगे ले रहा है। अगले दिन डॉक्टर फिर मॉली के रूम में जाती है और देखती है कि वो हवे में उल्टी लटकी हुई है। वो मॉली के पास जाती है तो मॉली उसे हवा में उड़ा देती है। ये देख के डॉक्टर वहाँ से भाग जाती है, और उसके बाद वो फादर जॉन के पास जाती है हेल्प मांगने के लिए। फादर उससे बताता है कि वो अब प्रीस्ट नहीं रहा, तो वो एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर सकता। ये सुन के डॉक्टर उसे एक ऑफ़र देती है कि अगर वो एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करेगा तो वो उसके रिलीज पेपर पे साइन कर देगी, जिससे वो यहाँ से आज़ाद हो जाएगा। जब वो ये बात कर रहे होते हैं तो गार्डन में उन्हें बहुत से कौवे मरे हुए दिखते हैं, और तभी वो दोनों रिसेप्शनिस्ट को खिड़की पे खड़ा देखते हैं और वो नीचे कूद जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देख के डॉक्टर डर जाती है और फादर एक्सॉर्सिज्म करने के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डेविल और भी मासूम जाने ले। उसके बाद फादर जॉन मॉली से मिलने उसके रूम में जाता है, जहाँ वो डेविल उसे कहता है कि वो उसे जानता है। फादर उस शैतान से उसका नाम पूछता है तो वो बाइबल के पन्नों का कुछ जिक्र करता है और कहता है कि वो लीजन है, और उस औरत की आवाज़ में बात करता है जो फादर की वजह से मर गई थी स्टार्टिंग में, यानी वो डीमन सब जानता था फादर जॉन के बारे में। तभी मॉली आगे आती है और कहती है कि वो उसे बचा ले, लेकिन वो शैतान फिर आ जाता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है, और फादर वहाँ से चला जाता है। फादर जॉन सोच में पड़ जाता है कि अब वो कैसे उसे बाहर निकालेगा मॉली के शरीर से, तो वो प्रीस्ट चैपलिन के पास जाता है उसकी हेल्प मांगने के लिए। प्रीस्ट चैपलिन कहता है कि एक्सॉर्सिज्म के लिए चर्च कभी इजाज़त नहीं देगा, तो उसे बिना चर्च के परमिशन के एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना होगा, और चैपलिन उसे एक्सॉर्सिज्म के सारे इक्विपमेंट्स देता है। उसके बाद फादर होली वाटर लेके मॉली के रूम में जाता है एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए, और उस पर वो होली वाटर गिराता है, जिससे वो डेविल तड़पने लगता है। वो उस डेविल को मॉली के शरीर से बाहर निकलने को कहता है, तो वो डेविल उस प्रेग्नेंट लेडी के रूप में आ जाता है फादर को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए, लेकिन फादर उसका हर खेल जानता है और वो उसके पास जाके उसे क्रॉस दिखाता है, और वो डेविल फादर का हाथ काट के खा जाता है। तभी उस डेविल के माथे पे कुछ लिखा हुआ आता है, जिसे फादर देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फादर चर्च में जाता है, जहाँ खिड़की से वो कुछ लोगों को देखता है जो काले कपड़ों में होते हैं, और वो उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद फादर फिर मॉली के रूम में जाता है बहुत सारा होली वाटर लेके, लेकिन वो डेविल अपनी शक्तियों से होली वाटर गिरा देता है और फादर का गला दबाता है। फादर किसी तरह अपने आप को छुड़ाता है और एक बॉक्स लेके आता है, जिसमें आत्माओं को कैद किया जाता था। फादर जब वो बॉक्स खोलता है तो मॉली हवा में उड़ने लगती है, और उसके मुंह से ढेर सारी मक्खियाँ निकलती हैं और उस बॉक्स के अंदर चली जाती है, जो ये दर्शाता है कि वो डीमन अब उस बॉक्स में कैद हो गया था। और फादर वो बॉक्स होली वाटर में रख देते हैं और मॉली ठीक हो जाती है।
और वो फादर का शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों अभी सब खत्म नहीं हुआ होता है। मॉली को जिस वार्ड में रखा गया होता है वहाँ के पेशेंट्स उसे घूर रहे होते हैं, मानो कि वो पोजेस्ड हों। अगले दिन फादर जॉन प्रीस्ट चैपलिन के पास जाता है और वो बॉक्स उसे देता है ताकि वो उसे एक सुरक्षित जगह पर रख सके। जब प्रीस्ट चैपलिन वो बॉक्स अपने बेसमेंट में रखने गया होता है तो जॉन उसके टेबल पे एक सैटैनिक किताब देखता है। ये देख के वो चैपलिन से सवाल पूछता है तो वो बताता है कि वो ये सब सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ता है। वो उसे ये भी बताता है कि ये बुक सील ऑफ बैफमेट है, शैतान के चर्च की। फादर जॉन उससे इस सिंबल के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि ये कल्ट का सिंबल है जो लेवाइथन की पूजा करता है। लेवाइथन मतलब LVTYN, जो कि सैटैनिक बाइबल का एक क्रीचर है। फादर जॉन को याद आता है कि यही इनिशियल उसने एक्सॉर्सिज्म के वक्त मॉली के माथे पे देखा था। प्रीस्ट चैपलिन उसे ये भी बताता है कि लेवाइथन को इस दुनिया में एक रिचुअल के द्वारा लाया जा सकता है जिसमें जिसके शरीर को लेवाइथन ने पोजेस किया होगा उसके शरीर की बलि चढ़ानी होगी, तब जाके लेवाइथन उस दुनिया में आ सकता है। ये सुन के फादर समझ जाता है कि जो डीमन मॉली के शरीर के अंदर था वो लेवाइथन था और उसने इस दुनिया में आने के लिए मॉली का शरीर चुना। ये सब बातें सुन के फादर को चैपलिन पे शक हो जाता है कि वो भी इस कल्ट का मेंबर है, तो वो उसे वो बॉक्स दिखाने को कहता है। प्रीस्ट चैपलिन वो बॉक्स दिखाने के लिए उसे बेसमेंट में ले जाता है और उसे बेहोश कर देता है। इधर मॉली के वार्ड में सारे पेशेंट्स पोजेस्ड होते हैं और मॉली को घूर रहे होते हैं। तभी मॉली को एक नर्स जबरदस्ती पकड़ के अंडरग्राउंड रूम में ले जाता है। जब फादर की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक रूम में पाता है जहाँ सारे पेशेंट्स मरे हुए होते हैं। तभी एक नर्स वहाँ आता है और उस पर गन पॉइंट करता है और उसे उसके साथ आने को कहता है। उसी वक्त डॉक्टर अपने कैबिन में होती है और वहाँ एक दूसरा नर्स आता है जो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है। जाते वक्त डॉक्टर एक कैंची चुरा लेती है और उस नर्स के कान में घुसा देती है जिससे वो मर जाता है। उसके बाद वो देखती है कि एक नर्स फादर को अंडरग्राउंड रूम में ले जा रहा है, तो वो पुलिस को कॉल कर देती है और उनका पीछा करती है। अंडरग्राउंड रूम में पहुंचने के बाद फादर देखता है कि वहां काले कपड़ों में कुछ लोग मौजूद हैं और प्रीस्ट चैपलिन एक रिचुअल परफॉर्म करने वाला है जहां उसने मॉली को लेटा रखा है और वो मंत्र पढ़ रहा है। उसके बाद चैपलिन वो बॉक्स खोलता है जिसमें डेविल कैद था और एक तलवार निकालता है जिससे वो मॉली को थोड़ा कट करता है और उसका खून निकालता है और उसे बॉक्स पे लगा देता है। फादर उसे ऐसा ना करने को कहता है पर वो उसकी नहीं सुनता। उसके बाद चैपलिन उस तलवार से मॉली की बलि चढ़ाने ही वाला होता है कि तभी वहां डॉक्टर आ जाती है और उसके पीठ में रॉड घुसा देती है जो उसके शरीर के आर पार हो जाती है और फादर मॉली को लेके वहाँ से भागने लगता है। और तभी उस बॉक्स में से ढेर सारी मक्खियाँ निकलने लगती हैं और मॉली वापस आती है और वो तलवार लेके चैपलिन के छाती में घुसा देती है और फादर मॉली और डॉक्टर वहाँ से भागने लगते हैं और वो सारी मक्खियाँ चैपलिन के मुँह में घुस जाती हैं और कल्ट के सभी मेम्बर्स पर अटैक कर देती हैं। फादर डॉक्टर और मॉली रूम से बाहर आते हैं तो एक नर्स उन पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे मार देती है जिससे उनकी जान बच जाती है। उसके बाद पुलिस अंडरग्राउंड रूम में जाती है जहाँ वो लोगों को मरा पाती है और हमें कुछ मक्खियाँ वहाँ से बाहर जाती हुई दिखाई देती हैं। दोस्तों अब सब खत्म हो चुका होता है और मॉली भी सेफ थी। उसके बाद सीन कट होता है जहाँ हमें एक स्कूल बस दिखाई जाती है जिसमें एक लड़की अकेली बैठी होती है और एक मक्खी उड़ के आती है और उसके कान में घुस जाती है, यानी अब वो डेविल उसे पोजेस करने वाला था, और मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आइए बात करते हैं कुछ टॉपिक्स पे। दोस्तों इस फिल्म में लेवाइथन नाम के क्रीचर का जिक्र है जो पानी में रहता है। ये एक बाइबल का मॉन्स्टर है जो बहुत विशाल है और ये किसी का भी सर्वनाश कर सकता है। इस क्रीचर ने वापस जिंदा होने के लिए मॉली के शरीर को चुना और उसे पोजेस कर लिया, और जब वो कल्ट के मेंबर रिचुअल के दौरान मॉली की बलि चढ़ाते तो ये क्रीचर जिंदा हो जाता और सबका सर्वनाश कर देता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसीलिए लास्ट में इसने दूसरी लड़की को चुना। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो मैं लेवाइथन और बाकी डिमोनिक क्रीचर्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं, जिसमें हम उन क्रीचर्स के बारे में बात करेंगे जो सैटैनिक बाइबल में हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये सेपरेट वीडियो चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसकी मूवी की कहानी बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।